हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल नॉलेज। देखिए, आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं डीजी से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए काजी, कुल मिला के हमारे पास 14 क्वेश्चंस है, 7A और 7A, कुल मिला के 14 क्वेश्चंस है। अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में आप जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। ओके काजी, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि डीजी सेट क्या होता है। देखिए इसमें दो चीज़ होती है, पहला इंजन, दूसरा अल्टरनेटर। देखिए इंजन क्या करता है, इंजन अल्टरनेटर को घुमाता है, यानी कि उसको मैकेनिकल पावर देता है। और अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर उस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्राप्त होती है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड है टाइप ऑफ सिस्टम। देखिए कुल मिला के इसमें 5 सिस्टम होता है। पहला है फ्यूल सिस्टम। देखिए फ्यूल सिस्टम का काम है, फ्यूल सिस्टम का काम है फ्यूल प्रोवाइड कराना इंजन को, कब और कितना प्रोवाइड कराना है वो उसका काम है। ऐसे सेकंड आता है आपका एयर सिस्टम। एयर सिस्टम का काम है इंजन को एयर प्रोवाइड कराना, फिल्टर्ड एयर। इनका इनका सबका साइकिल होता है, मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट है थर्ड हमारा कूलिंग सिस्टम। देखिए इंजन क्या है, इसमें बहुत सारे रोटेटिंग पार्ट होते हैं, तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तो उसको हीट को रिमूव करना हमारा काम है कूलिंग सिस्टम का, ऐसे होता है। फोर्थ है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है, ये फ्रिक्शन को कम करता है ल्यूब ऑयल कैप से। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखिए इसमें अल्टरनेटर, कंट्रोल पैनल, बैटरी, डायनामो, ये सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है डीजी की जो रेटिंग होती है वो केवे में होती है। जैसे कि आपने सुना हो कि डीजी 750 केवे का है, 1250 केवे का है, या फिर 1500 केवे का है। ओके, देखिए नेक्स्ट है कि डीजी की सेफ्टी क्या क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला है हाई वाटर टेम्परेचर। अगर डीजी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, डीजी आपका ट्रिप हो जाएगा, और उसका कारण होता है कि आपका रेडिएटर या आपका हीट एक्सचेंजर का चोक होना, या ल्यूब ऑयल का कम होना, ओके का, या डीजी का ओवरलोड होना। ओके, ये इसके मुख्य कारण है। नेक्स्ट है हमारा लो ल्यूब ऑयल प्रेशर। ये क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 2.5 से 7.5 kg, और इसका इसका कारण होता है कम होने का लो ल्यूब ऑयल, या फिर कहीं से ल्यूब ऑयल का लीक होना होज पाइप से। नेक्स्ट है हमारा ओवर स्पीड। देखिए डीजी की स्पीड होती है 1500 rpm, प्लस माइनस 30 चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा लो कूलेंट। देखिए अगर कूलेंट का मैं आपको टॉप अप करना होगा। नेक्स्ट है वैक्यूम इंडिकेटर। देखिए वैक्यूम इंडिकेटर क्या होता है, वैक्यूम इंडिकेटर आपका टर्बो चार्जर और एयर फिल्टर के बीच में लगा होता है। देखिए क्या काम करता है, जैसे ही हमारा फिल्टर चोक हो जाता है, एयर फिल्टर चोक हो जाता है, क्या होता है, रेड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था प्रैक्टिकली। देखिए नेक्स्ट है नेम ऑफ फोर स्ट्रोक। देखिए फोर स्ट्रोक इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, पहला होता है इनटेक, सेकंड होता है कंप्रेशन, और थर्ड होता है कंबशन, इसको बोलते हैं पावर भी बोलते हैं इसको थर्ड को, और फोर्थ होता है हमारा एग्जॉस्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट है टर्बो चार्जर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डीजी पे दिखाया था कि टर्बो चार्जर कहाँ लगा होता है, तो देखिए एक साइड इसके एयर फिल्टर लगा होता है, तो क्या करता है, एयर फिल्टर से एयर आती है, उसको ये कंप्रेस करके इंजन को देता है, तो क्या होता है, इंजन की जो इफिशेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके गाइज, तो सेकंड दूसरी साइड क्या होता है, इसके दूसरी साइड इसके एग्जॉस्ट लगा होता है, जो जली हुई गैसें होती हैं उनको ये बाहर निकाल देता है, और इसकी स्पीड करीबन 1 से 1.5 लाख के आसपास होती है, 1.5 लाख rpm। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कूलेंट क्यों यूज़ करते हैं डीजी में। देखिए कूलेंट की एक खासियत होती है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है, यानी कि जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है इंजन से, और फिर जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब उसको हीट को रिमूव कर लेता है। ठीक है, तो हमारे कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करता है। अगर हम वाटर को यूज़ करेंगे तो वाटर क्या करता है, जल्दी गर्म हो जाता है लेकिन जल्दी ठंडा नहीं होता है। ओके गाइज, सो फ्रेंड्स, जो बाकी के 7 बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।